राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा तो थम गई है, लेकिन इस मसले पर राजनीतिक बयानबाजी अभी भी जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा मोदी सरकार पर किए गए राजधर्म के हमले पर अब भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी राजधर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम कर रही है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने रामलीला मैदान में भड़काऊ बयान दिए थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को लेकर पार्टी का एक स्टैंड रहा है। अशोक गहलोत, शिवराज पाटिल ने भी तब इसकी मांग की थी, आपने इस राजधर्म के मसले को उठाया है, अब हम इसे पूरा कर रहे हैं। दरअसल रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि रामलीला मैदान में आपने उकसाने वाली भाषा का प्रयोग किया, आपकी ही सरकार ने 2010 में NPR का नोटिफिकेशन जारी किया था। अगर आप करें तो ठीक, लेकिन हम करें तो आप लोगों को भड़काना शुरू कर देते हैं। SPN 9 से पुष्पा की रिपोर्ट।